श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 10 मई को ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का मनोकामना पूर्ति का उपाय आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बुधवार के दिन यह ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि पड़ रही है और इस तिथि का महत्व को समझते हुए बुधवार के दिन पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ इस मनोकामना पूर्ति वाले उपाय को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। विधिवत रूप से अच्छे से पहले इस उपाय को समझेंगे, उसके बाद आप यह उपाय करिएगा। थोड़ा सा समय निकाल कर आपको बस बुधवार के दिन यह उपाय कर लेना है। कैसे करना है, किस समय करना है, इस तिथि की महत्वता को समझते हुए हाल ही में चल रही कथा के दौरान मिश्रा जी ने अपनी कथा के दौरान इस उपाय को बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्त जनों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं इस छोटे से उपाय को। इस उपाय को करने के लिए सबसे पूर्व आपको आवश्यकता होगी, दो बेलपत्री आपको ले लेनी है। बिना खंडित दो बेलपत्री ले लीजिएगा। थोड़ा सा कुमकुम, एक शुद्ध लोटा जल, यह सामग्री लेकर आपको किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर में चले जाना है। ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को आपको खास करके प्रदोष काल के वक्त में ही करना है, जब माता पार्वती और भगवान शिव धरती पर भ्रमण करने निकलते हैं। उस समय पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ यह सामग्री लेकर शिव मंदिर पहुँच जाइएगा। दो बेलपत्री बिना खंडित, साथ में एक शुद्ध लोटा जल, थोड़ा सा कुमकुम घोलकर अपने किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर में चले जाइएगा। शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पूर्व आपको किस प्रकार से इन बेलपत्री को लेकर इस उपाय को करना है, आइए जानते हैं। सबसे पूर्व जो कुमकुम आप अपने साथ लेकर आए हैं उसके ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको उस कुमकुम को लेकर जो बेलपत्री आप लेकर आए हैं बारी बारी से उन दोनों बेलपत्रियों पर ओम बना देना है। ओम बना देना है आपको कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से इन बेलपत्रियों पर बना हुआ है कुछ इसी प्रकार से आपको इन दोनों बेलपत्रियों पर अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने नाम और गोत्र बोलते हुए दोनों बेलपत्रियों पर आपको ओम बना देना है। अब इसके बाद क्या करना होगा कि एक बेलपत्री सबसे पूर्व लेकर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग के ऊपर इस वाले स्थान पर अर्पित करनी है। उसके बाद आपको दूसरी बेलपत्री लेकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए अर्पित कर देनी है। इतना करने के बाद शुद्ध लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए हैं उसे लेकर बिल्कुल पतली धार से शिव जी को जल अर्पित करिएगा। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए आपकी इच्छा मनोकामना को आपको नंदी महाराज के कानों में कह देना है अपनी नाम और गोत्र बोलकर। इस उपाय के करने के बाद, जल अर्पित करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको नंदी महाराज के कानों में कह देना है। आपकी इच्छा मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होगी पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ। थोड़ा सा समय निकाल कर बस इस उपाय को कर लीजिएगा। अगर आप इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।